Hey everyone, welcome back to my channel, Crazy for You Real Stories. So, चलो फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो के स्टार्टिंग में हमें एक छोटा सा मार्केट टाइप का कुछ दिखाया जाता है, जहाँ पर एक बंदा होता है। वो कहता है टू गेस्ट ऑफिसर यहाँ पर आए हैं आप। तभी एक बंदा कहता है टू रूम, और तभी दूसरा कहता है वन रूम। एंड अब वो जो बंदा होता है बीच में, वो कुछ बोल नहीं पाता। एंड तभी हमारा जो शिनवा रहता है, वो कहता है कि तुम्हें एक रूम की ज़रूरत क्यों है, मुझे नहीं चाहिए एक रूम। एंड तभी ये बात सुनते हैं सुचैन कहता है क्यों, तुम्हें क्या कोई प्रॉब्लम है क्या। एंड ये बात सुनते हैं हमारा जो शिनवा रहता है, वो सोचने लगता है ऑफकोर्स इसमें प्रॉब्लम है, मेरा रिलेशन तुमसे इतना ज़्यादा फेमिलियर नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ एक ही रूम में रह सकूँ। एंड तभी कहता है कि मुझे दूसरे लोगों के साथ एक साथ रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तभी सुचैन कहता है बट मैं तुम्हारे साथ रह सकता हूँ। एंड तभी हमारा शिनवा कहता है लेकिन मैं, एंड तभी सोचने लगता है कि इसे समझ में नहीं आ रहा है, मेरी मैरिज हो चुकी है और मैरिज होने के इतने टाइम बाद भी मैं कभी भी चिनगांव से बाहर नहीं गया हूँ, तो मैं इसे कैसे जान सकता हूँ। एंड तभी जो बंदा रहता है वो कहता है कि गेस्ट ऑफिसर प्लीज़ मेरी बात सुनिए। एंड तभी हमारा सुचैन रहता है, कहता है तुम्हें याद है ना एशन जो पॉइजन थी तुम्हारी बॉडी में, तुम कितने ज़्यादा अफेक्ट हुए थे, आई थिंक तुम्हारी जो मेमोरी है उससे काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट हुई है। एंड ये बात सुनते ही हमारा शिनवा कहता है क्या। एंड वो सोचने लगता है कि क्या मुझे एमनीसिया है, नहीं नहीं कैसे हो सकता है, मुझे याद है मैं सेकेंड सन हूँ अपनी फैमिली का जो कि चिनगांव में रहता था, और मेरे एक एल्डर ब्रदर है जो कि मुझसे 3 ईयर्स ओल्डर है। एंड उसके बाद मुझे याद है, और हाँ मुझे ट्विन्स ब्रदर्स भी थे, और उसके बाद 9th प्रिंसेस जो थी चिनगांव की शिनहुआ, उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया था। मैं तो एक ऑर्डिनरी पर्सन था, मैं एक ऑर्डिनरी तरीके से ही बड़ा हुआ था, लेकिन सडनली उन्होंने मुझे अरेस्ट कर लिया और उन्होंने ये कहा कि मैं 9th प्रिंसेस बनकर यहाँ पर आऊँ और यांगवी से मैरिज कर लूँ। एक मिनट, मेरी सारी मेमोरी तो कंप्लीट है, कुछ भी मिसिंग तो नहीं है, एक मिनट क्या कुछ गलत हो रहा है। एंड वो सोचने लगता है कि मुझे तो डर है कि मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसके साथ रहूँगा तो शायद मुझे प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन मुझे लग रहा है कि मैं किसी गलत पर्सन के साथ हूँ। एंड तभी जो बंदा होता है कहता है कि टू गेस्ट ऑफिसर प्लीज़ मेरी बात सुनिए, बदकिस्मती से हमारे पास 2 रूम बचे हैं, आप को चाहिए। एंड तभी वो कहता है ठीक है, एक ही रूम बचे हुए हैं। जो सुचैन रहता है वो पिक कर देता है और कहता है ठीक है मैं उसे ले लेता हूँ, और कहता है कि याद रखना कि यहाँ पर फूड और हॉट वाटर रूम में तुम्हें मिल जाएंगे, लेकिन बाहर शायद तुम्हें नहीं मिलेंगे, तो तुम आना चाहो या फिर ना आना चाहो ये तुम्हारी मर्जी है। एंड तभी शिनवा कहता है लेकिन तुम ये सही नहीं कर रहे हो। एंड इतना कहने के बाद और सुनने के बाद हमारा सुचैन तो वहाँ से जा चुका था। एंड अब सीन शूट होता है जहाँ पर हमें यांगवी दिखाया जाता है जो कि रुक जाता है अपने हॉर्स को लेकर। एंड तभी उसका जो वही सर्वेंट रहता है जिससे उसने भेजा था चिनगांव में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, वो कहता है कि बोलो क्या बात है। एंड तभी वो बंदा कहता है कि वेल हनियांग ग्रीट करता है योर मैजेस्टी, आपको कॉन्क्यूबाइन शी इज इन इस इन में इस टाउन में रुके हुए हैं। एंड ये बात सुनते ही हमारा जो यांगवी रहता है कहता है ठीक है मुझे रास्ता दिखाओ। अब हमें बहुत सारा फूड दिखाया जाता है जो काफ़ी ज़्यादा डिलीशियस लग रहा था, एंड हमारा जो शिन हुआ था उसे खा रहा था। एंड तभी हमारा जो सुचैन रहता है कहता है शुनार। एंड तभी कहता है कि तुम कोमा थे में थे ना 4 दिन तक, और तुम बिना कुछ खाए हुए थे, तुम्हें बहुत ज़्यादा भूख लगी होगी ना, तुम काफ़ी ज़्यादा हंगरी होगी ना, ये लो, और उसे लेग पीस दे देता है। और हमारा जो शिनवा रहता है वो अपने बाउल में राइस को लेकर रहता है और चिकन भी ले लेता है, चिकन लेग पीस, और उसे देखने लगता है। एंड तभी सुचैन कहता है शुनार प्लीज़ मेरे पास बैठो ना, मुझे तुम्हारी पल्स चेक करने दो। एंड तभी कहता है शुनार आई थिंक तुम्हारे पास कोई लगेज नहीं है तो हमें कुछ शॉपिंग करना चाहिए, क्या तुम खरीदना चाहोगे कुछ। शुनार तुम्हें थोड़ा सा जो वाटर है वो ड्रिंक करना चाहिए। एंड तभी हमारा जो शिनवा रहता है वो कहता है एक मिनट लेकिन तुम चाहती क्या हो, मैं शिनार नहीं हूँ। और सोचने लगता है वेट ये जो शिनार नाम है वो काफ़ी ज़्यादा फेमिलियर लग रहा है। हाँ, और तभी उसे याद आता है कि वो अपने ब्रदर को कह रहा था शिनार मेरी तरफ देखो। तभी जो दूसरा बंदा रहता है दूसरा किड रहता है कहता है हुनार तुम काफ़ी ज़्यादा क्यूट हो। तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा जो शिनार था वो हमारे शिनवा का एल्डर ब्रदर था, और जो हुनार है वो हमारा शिनवा ही है। एंड तभी हमारा जो शिनवा रहता है वो सोचने लगता है राइट मेरा जो एल्डर ब्रदर था उसे मेरी मदर हमेशा शिनार नाम से कहकर बुलाती थी, अब मुझे याद आया। लेकिन जो मेरा एल्डर ब्रदर था वो सडनली अचानक से चला गया, जब वो 12th एज का हुआ तो वो अचानक से चला गया, और उसके बाद उसकी कोई भी न्यूज़ हमारे पास नहीं आई। मुझे ठीक से याद भी नहीं है कि मेरा जो एल्डर ब्रदर है वो कैसा दिखता था। तो
तभी शुचैन कहता है कि शिनार, एंड तभी हमारा शिनहुआ कहता है कि क्या तुम किसी शिन क्वेंग नाम के पर्सन को जानते हो। एंड ये बात सुनते शुचैन कहता है कि शिनार तुम्हें याद आ गया। एंड तभी वो तुरंत अपने हाथ में रखा हुआ जो बाउल रहता है जो ड्रिंक करने का, वो उसे फेंक देता है और कहता है ओह तू कितनी अच्छी बात है, तुम्हें सब कुछ याद आ गया। एंड तभी वो कहता है कि तो तुम शी क्वेंग हो है ना। एंड तभी हमारा जो शिनहुआ रहता है कहता है व्हाट। एंड वो सोचने लगता है कि ये सब क्या चल, और वो तुरंत हमारे शिनहुआ को दूर करता है और सोचने लगता है कि तो इसका मतलब शी क्वेंग जो शुचैन है जो मैंने सुना, इसके मुंह से मैं अपने एल्डर ब्रदर का ही नाम सुन रहा था, क्या ऐसा हो सकता है कि एक ही नाम के दो बंदे हो। लेकिन मेरी जो मदर थी वो हमेशा कहती थी कि मेरा जो एल्डर ब्रदर है वो बिल्कुल मेरे जैसा दिखता है, लेकिन शुचैन भी मुझे किसी गलत पर्सन को समझ रहा, उसे लग रहा कि मैं कोई और हूँ। लेकिन एक मिनट, मुझे जस्ट अभी रियलाइज़ हो रहा है कि क्या ऐसा हो सकता है कि इन दोनों के बीच कोई रिलेशन हो, स्पेशल रिलेशन। शुचैन भी मुझे गलत समझ रहा है। कहीं एक मिनट, मेरा ब्रदर कहाँ गया, कहीं ये मेरे ब्रदर से मिला भी तो नहीं हुआ है ना, हो सकता है ये मेरे ब्रदर से मिला हो। एंड तभी कहता है कि ये, एंड तभी वो शुचैन जो होता है एक पेंटिंग दिखाता है, और तभी हमारा जो शिनहुआ रहता है कहता है ये, एंड तभी हमारा शुचैन कहता है कि जब मैंने तुम्हें फर्स्ट टाइम देखा था ना तब तुमने इसी तरीके का ड्रेस पहना था, और तुम जो रोब था ना तुमने ऐसा ही रोब पहना था, और तुमने उडन स्वॉर्ड लेके रखी थी। एंड ये बात सुनते ही हमारा शुचैन कहता है, हमारा शिनहुआ कहता है कि क्या कहा तुमने। एंड तभी शुचैन कहता है कि आई थिंक तुम बहुत ज़्यादा क्यूट हो, और उसकी काफ़ी ज़्यादा क्लोज आ जाता है, और बाहर से यानगो ये सब देख रहा होता है, उन दोनों की शेडो होती है जिससे शेडो को देखकर लग रहा था कि वो दोनों किस कर रहे हैं या फिर काफ़ी ज़्यादा क्लोज आ रहे हैं। और यानगो गुस्से में कहता है शिनहुआ मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तभी अचानक से दोनों टकरा जाते हैं, और तभी हमारा जो शिनहुआ रहता है वो कहता है आई एम सॉरी। एंड तभी शुचैन रहता है कहता है शिनार तुम ठीक तो हो ना, सडनली तुम खड़े होने की कोशिश क्यों कर रहे थे, देखो तुम्हें चोट लग गई। एंड तभी शिनहुआ कहता है कि ओह हाँ मुझे ऐसा लगा किसी ने मेरा नाम बुलाया। एंड सोचने लगता है कि एक्चुअली वो नाम मेरा नहीं था, वो नाइन प्रिंसेस का नाम था शिनहुआ। एंड तभी वो बाहर की तरफ जाने लगता है, तभी हमारा जो शुचैन रहता है कहता है वेट। एंड वो आगे जाने लगता है, कहता है कि तो तुम इसे चेस कर रहे हो, और उसे रियलाइज़ हो जाता है कि यानगुई भी यहाँ पर होगा। एंड तभी जो शिनहुआ रहता है वो कहता है नो मैंने ज़रूर कुछ गलत सुना होगा शायद, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा था कोई तो था यहाँ पर। एंड तभी हमारा जो शिनहुआ रहता है वो तुरंत पीछे हो जाता है क्योंकि उसे शुचैन ने खींच लिया होता, और कहता है कि आई थिंक जो हवा है ना वो बहुत ज़्यादा है। एंड तभी हमारा जो शिनहुआ रहता है वो कहता है कि सच कहूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है कि हिज मजिस्ट्री ने अगर किसी को भेजा होगा मुझे ढूंढने के लिए तो। एंड ये बात सुनते ही शुचैन कहता है कि अगर हिज मजिस्ट्री आया तो क्या तुम उसके साथ वापस जाना पसंद करो, क्या तुम उसके साथ जाना चाहोगे। एंड ये बात सुनते ही शिनहुआ कहता है क्या, और वो कहता है कि मैं अगर इसके बारे में सोचूँ तो ये कोई इशू वाली बात नहीं है, मैं तो जस्ट ऐसे ही भाग कर आ गया, इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं हमेशा ही भाग कर रहूँगा। एंड तभी शुचैन कहता है कि नहीं तुम्हें वापस जाने का कोई भी हक नहीं है, तुम्हें मैं अलाउ नहीं करता कि तुम वापस जाओ। एंड तभी हमारा जो शिनहुआ रहता है कहता है हे तुम मुझे हर्ट कर रहे हो। एंड तभी शुचैन कहता है आई एम सॉरी। एंड तभी हमारा जो शिनहुआ रहता है वो कहता है कि ये मेरी चॉइस है कि मैं जाऊँ या फिर ना जाऊँ, और ऐसे कॉन्कुबाइन मुझे वहाँ पर तो जाना होगा ना, मैं वहाँ से भाग नहीं सकता ना, अगर मैं वहाँ से भाग गया तो ये एक शक की बात होगी और सब लोग मुझे सस्पेक्ट करेंगे, मैं यहाँ पर भाग नहीं जा सकता ना, और क्या होगा अगर मुझे अरेस्ट कर लिया गया और उसके बाद मुझे जान से मार दिया गया तो। एंड तभी शुचैन कहता है कि नहीं तुम्हें ये सारी चीज़ें इसे डरने की ज़रूरत नहीं है, और आयान ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेगा, वो बहुत ज़्यादा काइंड पर्सन है। एंड ये बात सुनते ही हमारा जो शिनहुआ रहता कहता है कि आयान, एंड ये बात सुनते ही हमारा जो शुचैन रहता कहता है कि हाँ जो एयान है वो हिज मजिस्ट्री का नाम है, यानी कि यानगुई, एंड तुमने इससे पहले हिज मजिस्ट्री का नाम नहीं सुन रहा होगा ना, और मैं और वो हाफ ब्रदर्स हैं, हम दोनों एक दूसरे को चाइल्डहुड से ही जानते हैं, सो वो जब से थ्रोन पर नहीं बैठा था उससे पहले ही हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं, तो हमारा रिश्ता काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, और मैं तुम्हें ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन भी ठीक तरीके से नहीं कर सकता। एंड ये बात सुनते ही हमारा जो शिनहुआ रहता है सोचने लगता है कि एक मिनट तुमने ये सारी चीज़ें पहले क्यों नहीं कही, तुम हमेशा शुनार कर रहे थे। एंड अब सच में मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हारे अंदर इतना सा कॉन्फिडेंट कैसे आया है। एंड तभी कहता है बाय द वे
तुम्हारा और शुनार का क्या रिलेशन है? एंड ये बात सुनते सुशांत कहता है कि शुनार वही पर्सन है जिससे मैं अपनी ज़िंदगी में एक बार मिला था, मैं उसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और मैं उसी पर्सन से मिला हूँ जिससे मैं ज़िंदगी भर साथ रखना चाहता हूँ और उसी से प्यार करना चाहता हूँ। एंड ये बात सुनते ही हमारा जो शिनवर तो सुशांत कहता है कि ओनली लव, एक मिनट ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, एक मिनट इसका मतलब कि तुम अपने ब्रदर के कॉन्क्यूबाइन के साथ खड़े हो और तुम्हें बहुत बड़ी गलत फहमी हो गई है कि मैं तुम्हारा लवर हूँ। नहीं एक मिनट, ओरिजिनली में बात तो ये है कि सुशांत जो है वो यहाँ से भागना चाहता है मुझे लेकर और मैं इसके साथ इन्वॉल्व नहीं होना चाहता और इसकी जो फीलिंग्स है वो किसी दूसरे के लिए है, दूसरे पर्सन के लिए है, तो ये कैसे समझ सकता? ओ स्पेशली मुझे ये सारी चीज़ों को दूर करना होगा। एक मिनट, यानी कि सुशांत मेरा ब्रदर इन लॉ है? OMG। एंड तभी वो एक बार और पिक्चर को देखता है और तभी कहता है कि सुशांत मेरी बात सुनो, मुझे लगता है कि यहाँ पर कोई प्रॉब्लम है, मेरी मेमोरी में कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन मैं शुनार नहीं हूँ, आई थिंक तुम मुझे कोई और समझ रहे हो। एंड तभी जो सुशांत होता है उसे देखने लगता है, तभी हमारा शिनवा कहता है कि तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो, ये काफ़ी ज़्यादा स्कैरी है। एंड तभी सुशांत कहता है कि अगर तुम शुनार नहीं हो तो तुम ये बताओ, तुमने अभी शिनक्वेंग नाम लिया ना, शिनक्वेंग कौन है तुम बताओ मुझे। एंड ये बात सुनते हमारा जो शिनवा रहता है आप सोचना था कि आप मुझे कैसे एक्सप्लेन करो, अगर शिनवा ये कहता है कि जो ये शिनक्वेंग है वो उसका ब्रदर है तो नाइन प्रिंसेस की जो ये बात है ये तो पूरी झूठी साबित हो जाएगी, तो ये यहाँ पर कह नहीं सकता था। देन तभी सुशांत कहता है कि अगर तुम शुनार नहीं हो तो तुम ये नाम कैसे जानते हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तुम नाइन प्रिंसेस का प्रिटेंड क्यों कर रहे हो और तुम नाइन प्रिंसेस बनकर चिनगांव से यहाँ पर मिंग्याओ आए हो सिर्फ इम्पीरियर से मैरिज करने के लिए, मिंग्याओ के इम्पीरियर से मैरिज करने के लिए। तुम ये बताओ कि अगर ये सारी बातें पता चली तो चिनगांव से फ़ाइट हो जाएगी, यही रीज़न काफ़ी है फ़ाइट करने के लिए, और मैं नहीं चाहता कि तुम प्रिटेंड करो नाइन प्रिंसेस होने का, ओरिजिनली में तुम एक मेल हो और तुम मेरी बात सुनो, तुम हर जगह ट्रैवल करते रहते हो, तुम एक रिवर की तरह हो और तुम मेरे साथ कई सालों से थे, तुम मुझे तब मिले थे जब चिनगांव में तुम आए भी नहीं थे, तुम नाइन प्रिंसेस कब हो सकते हो, कैसे हो सकते हो, नहीं तुम ऐसे नहीं हो, तुम इस कंट्री से चले जाओ, तुम मेरे साथ चलो, अगर इस कंट्री को पता चला कि तुम नाइन प्रिंसेस नहीं हो तो तुम्हारे साथ बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन तुम मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा प्रीसियस हो और मेरी बात ये सुनो, रूमर्स ये भी है कि जो नाइन प्रिंसेस है वो मेल है, तो तुम्हें पता है कि उसे क्या प्राइस पे करना पड़ेगा, बहुत बुरा हो जाएगा, नाइन प्रिंसेस एक फीमेल ही होनी चाहिए जो कि तुम नहीं हो। एंड ये बात सुनते ही हमारा शिनवा सोचने लगता है कि वेल अब मैं कैसे ये सारी स्टफ को शो करूं कि मैं कौन हूं क्या नहीं हूं। एंड तभी उसे जो टेरेस रहता है जो रूफ टॉप रखता है उस पर एक आवाज़ सुनाई देती है, एंड तभी वहाँ पर कोई लैंड करता है। एंड तभी हमारा जो सुशांत रहता है कहता है कि अगर तुम शुनार नहीं हो तो तुम्हारा शुनार से क्या रिश्ता है, बोलो इस बार मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, अब मेरे पेशेंस की परीक्षा मत लो, मैं अब अपना पेशेंस खो चुका हूँ, देखो मैं तुम्हें कल वापस मॉर्निंग में लेके जाऊंगा, ठीक है, तो अभी जाकर रेस्ट करो, मैं जाकर दूसरा प्लेस ढूंढता हूँ जहाँ पर मैं रह सकता हूँ। और इतना कहने के बाद वो वहाँ से चल जाता और शिनवा के पास भी कुछ कहने के लिए बचा नहीं था, और जो शिनवा होता है सोचने लगता है कि मैं वापस नहीं जाना चाहता, फाइनली तो मैं वहाँ से भाग पाया हूँ, मैं कैसे वापस जा सकता हूँ। एंड तभी वो रूफ टॉप पर आता है जहाँ पर यानगुई था, एंड तभी यानगुई कहता है कि ओह तुम फाइनली उठ गए। एंड तभी हमारा जो सुशांत रहता है कहता है कि आयान सॉरी। एंड तभी ये बात सुनते ही हमारा जो यानगुई रहता है वो कहता है एजिन मैंने तुम्हारी ये सारी चीज़ों को टॉलरेट तो कर लिया इस टाइम, बट नेक्स्ट टाइम मुझे ब्लेम मत करना अगर मैं रूथलेस हो गया तो। एंड ये बात सुनते ही जो सुशांत होता है वो कहता है कि तुम कैसे इस बारे में, एंड वो पूरी बात नहीं कहता है क्योंकि यानगुई उसकी तरफ देखने लगता है और यानगुई को याद आता है कि कैसे शिनवा रो रहा था। एंड तभी वो अचानक से कहता है कि तुम्हें इस बारे में जानने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे यानगुई ने इतनी आसानी से सुशांत को जाने दिया, जबकि सुशांत ने जब ये कहा था कि वो हमारे शिनवा को लेकर जाना चाहता था तो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हुआ था हमारा यानगुई, लेकिन इस बार जबकि सुशांत हमारे यानगुई के सामने ही उसकी वाइफ को लेकर चलाया और यानगुई ने कुछ नहीं कहा, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंज बात थी। और यहीं पर इसी सीन के साथ ये चैप्टर खत्म हो जाता है। आई होप फ्रेंड्स आप सभी को चैप्टर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा होगा, वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कर देना और मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, सी यू सून।